हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शालिनी राज, करंटली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं इसमें आपको अपने सारे मॉक टेस्ट पेपर दिखाने वाली हूँ, अपने सारे डीपीपी क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ, जो मेरे को तो ऑनलाइन मोड में मिलते थे, लेकिन मैं उसको सारे क्वेश्चंस पेपर को मैंने ऑफलाइन मोड में ही सॉल्व किया है। वो कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करके मंगाया था, एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो मैंने ऑफलाइन मोड में ही किया है। स्पेशली मैं बात करूँ क्वेश्चंस पेपर की, तो मैंने पीडब्ल्यू के जितने सारे मॉक टेस्ट हुए थे ना, वो सारे मॉक टेस्ट पेपर को मैंने प्रिंट कराया, देन मैंने उसको सॉल्व किया है। सो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आपको हर बार बोलते रहती हूँ कि आपको ऑफलाइन में ही एग्जाम देना है, आपको प्रिंट आउट करा के ही एग्जाम देना है। तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि इसने खुद किया है या नहीं, ये हमें बोलते रहती है। एंड मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, बट उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस पेपर नहीं दिखाया था। सो अभी मैं घर आई हुई हूँ एंड यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको खुद पे थोड़ा सा आपको विश्वास हो एंड आपको भी लगे कि नहीं, आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो कि हाँ, मुझे भी सारे क्वेश्चंस पेपर को ऑफलाइन मोड में ही देने हैं एंड मुझे भी मॉक टेस्ट ऑफलाइन मोड में ही सॉल्व करना चाहिए। सो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में दिखाती हूँ एंड बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। एंड अभी तक जिन लोगों ने पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच नहीं लिया है, जो लोग भी ड्रॉपर हैं अभी तक सोच रहे हैं कि कौन सा बैच ले कौन सा बैच नहीं ले, सो आपको बोलूंगी कि इतना ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने पहली बार यकीन बैच ज्वाइन किया था, तो मेरे नंबर्स जो है वो डायरेक्टली 200 नंबर बढ़े थे मेरे। मेरा जो उसके बाद जो मैंने ड्रॉप लिया, वो भी यकीन से ही मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ है, आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यकीन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। एंड जो लोग भी अभी तक नहीं लिए हैं, वो लोग जाके इस बैच को ले सकते हो। पीडब्ल्यू ऐप पे ये बैच आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, वीक में 6 दिन क्लासेस लगेंगे एंड एवरी जो सब्जेक्ट होगा वो 2-2 घंटे का आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद आपको डीपीपी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, जो उसका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन भी बेस्ट टीचर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जो फैकल्टीज होंगी वो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होने के बाद उस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगी, इसके साथ ही साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी आपको टीचर्स सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए एंड काफ़ी अफोर्डेबल बैच भी है, 4440 है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लोगे MS150, तो आपको 150 का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो लोग भी लेने का सोच रहे हो, जाके ले सकते हो। और डाउट के लिए आपको नहीं सोचना है, वहाँ पे आपको लाइव डाउट सेशन भी अटेंड करने का मौका मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाके एक बार चेकआउट कर ले। सो आप ये देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे मॉक टेस्ट पेपर है। ये सारे जो मॉक टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पीडब्ल्यू के ही मॉक टेस्ट पेपर है। एंड सारे के सारे मॉक टेस्ट ना मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करा के निकाल के ही मॉक टेस्ट पेपर लगाए हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस पेपर मेरे खुद के हैं। यहाँ पे आप डेट्स भी देख सकते हो, जिस दिन मैं मॉक टेस्ट पेपर दिया करती थी उस दिन मैं डेट्स भी लिख दिया करती थी, आप यहाँ पे डेट्स भी देख सकते हो। सो ये सारे पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस पेपर है, ये 100+ क्वेश्चंस पेपर है, मैंने कभी इनको काउंट नहीं किया है, बट ये 100+ है। सो आप देख सकते हो मैंने कितना सारा क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करा के निकाल के तब एग्ज़ाम दिया है। सो आप लोग को भी मैं बोलूँगी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर ना प्रिंट आउट करके निकाल के एंड तभी आपको एग्ज़ाम देना है, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा गाइस। आपको अभी लग रहा होगा कि ऑनलाइन ही दे देते हैं, कौन ही इतना प्रिंट कराएगा, पैसा लगेगा, ये वो, लेकिन जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वर्थ इट सी लगेंगी। सो आप लोग भी ऐसे प्रिंट आउट निकाल के ही देना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। सो आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे क्वेश्चंस पेपर है, सारे के सारे पीडब्ल्यू के ही है एंड मैंने सबको प्रिंट आउट निकाल के ही एग्ज़ाम दिया है। सो आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस पेपर है, ये 100+ क्वेश्चंस पेपर है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पेपर है जो इधर उधर हो गया मेरे से एंड जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ये इसी तरीके से मैं OMR पे भर के एग्ज़ाम दिया करती थी एंड ये मेरा ही है। सो ये सारे क्वेश्चंस पेपर मेरे PW की ही है। क्वेश्चंस पेपर के अलावा मैंने DPP क्वेश्चंस को भी प्रिंट आउट करा के ही सॉल्व किया था। स्पेशली बायोलॉजी की बात करूँ तो मैं इस बायो में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के DPP क्वेश्चंस को प्रिंट करा के सॉल्व किया है। सो ये रहे मेरे बायोलॉजी के DPP क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो, ये सेल साइकिल का हो गया, ये वर्कशीट भी मैंने प्रिंट आउट कराया है जो तरुण सर ने दिया था। सो ये सारे मेरे DPP क्वेश्चंस हो गए। मैंने केमिस्ट्री में भी प्रिंट आउट कराया था, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रही है। एंड फिजिक्स का मैंने उतना सारा क्वेश्चंस प्रिंट आउट नहीं कराया मैं, बट बायो एंड केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के DPP क्वेश्चंस मैंने प्रिंट आउट करके मंगाया था। सो
आप लोग भी डिसाइड कर लो आप लोगों को जो सही लगे, आप लोगों को जो अफोर्डेबल लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर आपके थोड़े बहुत पैसे लग भी जाएंगे तो वो कहीं बेकार जाएंगे, क्योंकि जब एक बार आपका रिजल्ट हो जाएगा तो सब आपको वर्थ इट सा लगेगा। सो आई होप कि इससे आपको आइडिया लगा होगा कि आपको जो DPP क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है वो आप प्रिंट आउट करा के अगर करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्पेशली जो आपका मॉक टेस्ट पेपर है ना वो आप प्रिंट आउट निकाल के ही देना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा गाइज, वो ऑफलाइन होगा। सो आपको शुरू से ही अभी से ही आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने की। तो मैं आपको इस वीडियो से आपको एक तरीके से मैं मोटिवेट करना चाहती थी, यानी बताना चाहती थी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन मोड में ही अटेंड करो, ताकि आपको शुरू से ही सब चीज़ों की प्रैक्टिस रहे, बबल करने की, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ने की क्वेश्चन पेपर से। सो ये सब चीज़ें जब आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तभी आपको धीरे धीरे आपके हैबिट में आ पाएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, कहीं ना कहीं आप थोड़े मोटिवेट हुए होंगे कि आपको किस तरीके से सब चीज़ करनी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।